राजस्थान की खास खबरें। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मध्य प्रदेश के करीब 30 तीर्थ यात्रियों से भरी बस खाई में गिर गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न्यूज़ एजेंसी से कहा कि हादसे में 26 लोगों की मौत हुई है। सभी यात्री चारधाम यात्रा पर जा रहे थे। यह बस रविवार को हरिद्वार से चली थी। पुलिस ने बताया कि गहरी खाई और अंधेरे की वजह से शवों को सड़क तक पहुंचाने में दिक्कत हुई। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि सभी यात्री मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के हैं। हादसे के बाद एम्बुलेंस के साथ मेडिकल की टीम भी मौके पर मौजूद है। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहाँ उनका इलाज किया जा रहा है। राजस्थान में तेज गर्मी और हीट वेव के कारण 10 शहरों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। श्रीगंगानगर, कोटा, पिलानी, चित्तौड़गढ़, जयपुर समेत कई शहरों में हीट वेव चलनी शुरू हो गई। मौसम विभाग के अनुसार 3 दिन बाद तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की कमी होगी और हीट वेव से लोगों को राहत मिल सकती है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले 48 घंटों के दौरान तापमान में विशेष बदलाव होने की संभावना कम है, यानी हीटवेव का दौर अभी भी अगले 2 से 3 दिन तक जारी रहने की संभावना है। अगले 3 दिनों तक पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में तेज धूल भरी हवाएं चलने की संभावना है। 8 जून से प्रदेश में गर्मी का असर कम होने लगेगा और तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होगी। एक्टर सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को एक धमकी भरा खत मिला है। इस मामले में बांद्रा पुलिस ने एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज भी कर ली है। इस बात की जानकारी मुंबई पुलिस ने दी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार धमकी भरा यह लेटर बांद्रा के बैंड स्टैंड प्रोमेनाड में सलीम खान के गार्ड को उस जगह मिला, जहाँ सलीम अपनी मॉर्निंग वॉक के बाद जाकर बैठती हैं। लेटर में सलमान और सलीम खान को धमकी दी गई है कि उनका हाल सिद्धू मूसेवाले जैसा कर दिया जाएगा। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद मुंबई पुलिस ने पिछले दिनों सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी थी। दरअसल मूसेवाला की हत्या में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया था। उसी ने सलमान को 2008 में जान से मारने की धमकी दी थी। मुंबई पुलिस ने इसी के मद्देनजर सलमान की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया था। बाड़मेर जिले के नगाणा थाना क्षेत्र के लखेटाली नगाणा गांव में 7 माह की गर्भवती महिला ने पति सास ससुर के प्रताड़ना से तंग आकर टांके में कूद गई। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार लखेटाली गांव निवासी अमीना घर के पास बने टांके में कूद गई। परिजनों व ग्रामीणों ने आनन फानन में महिला को टांके से बाहर निकालकर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतका का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मृतका के पिता गुल्ला खान ने पति सास व ससुर के खिलाफ तंग और प्रताड़ित करने की रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जाँच भी शुरू कर दी है। मूसेवाला के मर्डर की जिम्मेदारी लेने वाले लॉरेंस को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। मूसेवाला की हत्या के बाद गैंग का अगला टारगेट गैंगस्टर अमित डागर था। हालांकि अमित को मारने की साजिश मूसेवाला से भी पहले रची गई थी। लॉरेंस के शूटर इसमें कामयाब नहीं हो पाए थे। ये खुलासा धौलपुर में पकड़े गए गैंग के 2 गुर्गों ने किया है। डागर वही गैंगस्टर है जिसने लॉरेंस से भी फिरौती मांगी थी। डागर का कनेक्शन कौशल गैंग से बताया जाता है। अकाली नेता मिड्डू खेड़ा के मर्डर के नाम आने के बाद लॉरेंस अमित को मारने की साजिश रच रहा था। मनिया CO दीपक खंडेलवाल ने बताया कि लॉरेंस गैंग के 2 गुर्गे दिनेश उर्फ गंगाराम और संदीप अहीर कौशल डागर की पंजाब में रैकी कर उसकी हत्या करने वाले थे। इसके लिए चंडीगढ़ हाईकोर्ट भी गए थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने मिड्डू खेड़ा के मर्डर केस में डांगर और भुप्पी राणा को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर लिया और मोहाली ले गई। ऐसे में डागर के मर्डर की साजिश को कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया था। इसके बाद दोनों शूटर गंगानगर भाग गए। मूसेवाला का मर्डर होने के बाद लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई के कहने पर दोनों धौलपुर आए थे। डागर ने खुद को बड़ा गैंगस्टर बनाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई को ही धमकी देकर 5 करोड़ रुपए की फिरौती ली थी। अजमेर जिले के मांगलियावास थाना क्षेत्र में 2.5 महीने के मासूम की हत्या उसकी मां ने ही की थी, फिर खुद ही रंजिश को लेकर अपनी सास और देवरानी पर शक जताते हुए मामला दर्ज करवा दिया था। पुलिस ने बताया कि मेडिकल बोर्ड से गला घोंटने की पुष्टि होने के बाद मां, सास और देवरानी के बयान दर्ज किए थे। सास व देवरानी के बयान एक ही मिल रहे थे। इस दौरान पुलिस को बच्चे की मां पूजा पर शक हुआ, जो कभी खाना बनाने के लिए जाने बात कहती तो कभी नहाने की। महिला पर दबाव देकर पूछताछ की तो वह टूट गई, हत्या करना कबूल कर लिया। पुलिस पूछताछ में पता चला कि 2 माह से गृह कलेश चल रहा था। उसे जमीन जायदाद से बेदखल का प्रयास किया जा रहा था, इससे वह परेशान थी। उसने अपने सोते हुए बच्चे का चौक में ही गला घोंट दिया। बदला लेने के लिए सास व देवरानी पर आरोप लगाया। लोनावला घूमने जा रही पली के परिवार को ट्रक ने रौंद दिया। दंपति सहित 3 साल की बेटी की मौत हो गई, जबकि 5 साल का बेटा घायल है।
पुणे में रहकर युवक किराने का कारोबार करता था। हादसा मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर पुणे के रावत ब्रिज चौक पर हुआ। पुलिस ने बताया कि पुणे विमान नगर गंगापुरम सोसाइटी क्षेत्र के वडगांव शेरी शमशान घाट में तीनों का एक साथ अंतिम संस्कार हुआ। पुलिस ने बताया कि सुरेश चौधरी पाली जिले के पडासला गाँव के रहने वाले थे। सुरेश अपनी पत्नी ममता, 3 साल की बेटी दिव्या, 5 साल के बेटे महावीर के साथ पुणे में रहते थे। हादसे में सुरेश, उनकी पत्नी ममता व बेटी दिव्या की मौत हो गई, जबकि 5 साल का मासूम महावीर अकेला बचा है। जयपुर जिले के शिप्रापत थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एक स्टूडेंट का किडनैप कर 10 लाख की फिरौती मांगी। पुलिस ने एक ढाबे पर दबिश देकर 5 किडनैपर्स को गिरफ्तार कर लिया। किडनैप हुए स्टूडेंट को भी उनके चंगुल से मुक्त करवाया गया। दबिश के दौरान 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पूछताछ में आरोपियों से कबूल किया है कि फिरौती के 10 लाख मिलने के बाद वह किडनैप किए युवक का मर्डर कर देते। पुलिस ने बताया कि किडनैपिंग के मामले में आरोपी नवरतन मीना, देशराज मीना, लाखन सिंह मीना व अजय कुमार और भूपेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। वहीं फरार बदमाश रवि गुजर और आशु गुजर की तलाश की जा रही है। साल 2018 में हुई लड़ाई झगड़े का बदला लेने के लिए आरोपियों ने विक्रम का किडनैप किया था। उदयपुर जिले के झड़ोल थाना क्षेत्र में 2 बाइकों की भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई। हादसे में 2 लोग घायल हो गए, उनका एमबी अस्पताल में इलाज जारी है। बाइक के रॉन्ग साइड में आने से हादसा हुआ। सिर में चोट लगने से भाई की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि रिछाबर गांव निवासी जसवंत सिंह अपनी छोटी बहन डिम्पल के साथ बाइक पर भमरासिया बाबजी के मंदिर पर दर्शन करने जा रहा था। इसी दौरान भागपुरा रोड पर सलदरी के पास रॉन्ग साइड में बाइक लेकर आए जीवनलाल से उनकी भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी तेज थी कि सिर में चोट लगने से जसवंत सिंह ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे में उसकी बहन डिम्पल और सामने से आकर भिड़े जीवनलाल को भी कई चोटें आई हैं। अजमेर जिले के सरवाड़ा थाना क्षेत्र के अजगरा गांव के 2 सूने मकानों में चोरी की वारदात सामने आई है। चोर घर में लाखों के जेवरात व नकदी लेकर फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि अजगरा निवासी मंगलाराम ने रिपोर्ट दी है कि मां व पत्नी बाड़े में गए थे और वह किसी काम से केकड़ी गया था। कुछ अज्ञात चोर मकान का ताला तोड़कर अंदर घुसे और अलमारी व लोहे की कोठी का ताला तोड़कर उसमें रखे हजारों रुपए की नकदी और लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण चोरी कर ले गए। चोरी के बाद जब आसपास में तलाश किया तो खाली बैग व सामान बिखरा हुआ मिला, लेकिन नकदी व जेवरात चोरी हो चुके थे। इसी तरह पड़ोसी रमेश कुम्हार के घर से चोर हजारों रुपए की नकदी और गहने चोरी कर ले गए।